हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 का जो 4 मैं बताने वाली हूँ, ए इंटू बी और बी इंटू ए का मान ज्ञात करने को बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो है ए प्लस बी बी माइनस ए का मान ज्ञात करने को बता चुकी हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। और मैं इस वीडियो को अब स्टार्ट करती हूँ। ए इंटू बी का मान ज्ञात करने को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, क्या कहता है। ये कहता है कि मान लीजिए कि ए का सेट दे दिया है, बी का सेट है, सी का सेट है, और कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है हमें, तो पहले ए का सेट लिखेंगे। तो ए का सेट क्या है, देखिए एक बराबर क्या दे दिया है, 2, 4, 3, 2 है, और इंटू है तो इंटू देंगे। अब बी का मान कितना है, बी का सेट है 1, -2, 3, 5 है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर कहता है ए इंटू बी, अब गुना करना है। जोड़ में क्या किए थे, ए प्लस बी को अगर जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, यानी कि ए के सेट के जिस स्थान पर अव्यय है, यानी कि इसके घर के इस स्थान पर 2 है, तो बी के घर में जाएंगे और इसी स्थान पर जो भी अव्यय रहेगा उसी से जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, तो इसमें इससे जोड़ देते थे और घटा भी देते थे। ऐसा ही 2 में से को घटाना होता तो घटा देते थे, जोड़ना होता तो जोड़ देते थे, यानी कि जो जिस स्थान पर आता था उसी स्थान वाले से हम जोड़ते थे और घटाते थे। लेकिन गुना में ऐसा नहीं होगा, अगर आप गुना कर देंगे 2 में 1 से तो गलत हो जाएगा। गुना का कंसेप्ट अलग होता है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में नहीं बता पाई थी कि ए इंटू बी का मान, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो इसलिए हम उसमें छोड़ दिए थे। इसके लिए अलग वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको पूरी इजी तरीके से मैं बताऊंगी ए इंटू बी का मान ज्ञात करने को। अब मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा उम्मीद से मैं कह सकती हूँ कि आपको ए इंटू बी का मान ज्ञात करने को 100% आ जाएगा। तब देखिए, तो हम सेट ए लिख लिए, सेट बी लिख लिए, अब हमको करना क्या है, गुना करना है। तो गुना करने के लिए देखिए, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो कितने पंक्ति है इसमें, आप देख सकते हैं 1 पंक्ति है, 2 पंक्ति है। तो जो पहला रहेगा, पहला क्या है, ए है, तो ए का हम 1 पंक्ति लेंगे, और जो दूसरा रहेगा, दूसरा क्या है, बी है, बी का पूरा सेट लेंगे। क्या बोले हम, जो पहले रहेगा उसका 1 पंक्ति लेंगे और जो बाद में रहेगा उसका पूरा सेट लेंगे। तो यहाँ पर ए पहले, तो पहले ए का हम पहला का पंक्ति ले लेंगे, 2 और 4 पंक्ति ले लिए, क्या लिए, 2, 4 क्या है पंक्ति में, तो ले लिए 2, 4 और सेट किया है। अब बाद वाला क्या है, बी है, तो बी का पूरा सेट लेंगे। तो बी का पूरा सेट क्या है, 1, -2 है और 3 और 5 है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे, देखिए यानी कि 2 में 1 से गुना कर देंगे और प्लस डालेंगे। जैसे ही एगो अव्यय में गुना करेंगे तो प्लस डालेंगे, तो यहाँ पर हम 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस डालेंगे। आज इसमें ये 2 को इस अव्यय से गुना किए तो फिर नीचे वाले को भी नीचे वाले अव्यय से गुना करेंगे, यानी कि 2 को ऊपर वाले अव्यय से गुना किए तो जो 2 के नीचे जो है उसमें भी हम इस अव्यय के नीचे वाले अव्यय से गुना करेंगे। तो 2 में 1 से गुना किए तो 2 डाले, प्लस दिए। अब नीचे क्या है, 4 है, 4 में -2 से गुना करेंगे तो -8 आ गया, हो गया। अब फिर देखिए, फिर 2 के 1 से गुना हो गया तो आगे क्या है, 3 है, 1 को तो काम खत्म होगा, अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 मिला। अब 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 6, क्या बोले, जैसे ही 1 अव्यय से गुना कीजिएगा तो प्लस डालिएगा, तो इसमें हम प्लस डालेंगे। अब देखिए, 2, 3 यहाँ पहुँच गया, 4 को भी तो पहुँचना है, साथ ही चलेगा, 2 के साथ चलेगा ये। तो यहाँ पर देखिए, तो ये तो आया, तो इसमें तो गुना हो गया, तो फिर आगे बढ़ेगा तो 5 हो गया, 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 20 आ गया, हो गया। अब देखिए, सेट यानी कि पंक्ति 1 समाप्त हो गया, पंक्ति 1 का गुना जो है पूरा सेट से हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, देख सकते हैं आप, हो गया। आप पंक्ति दूसरा लेंगे, इसका काम खत्म हो गया, पंक्ति दूसरा में क्या है, ये है 3, 2 है, तब लीजिए 3, 2, इसका काम समाप्त हो गया, पहलू का पंक्ति का काम समाप्त, दूसरा का पंक्ति में क्या है, 3, 2 है। अब फिर 3, 2 में पूरा सेट से गुना होगा, तो गुना कीजिए, आप नीचे लिखेंगे जो भी गुना कर देंगे नीचा, ताकि पहला पंक्ति बन गया, दूसरा का पंक्ति बनाती हूँ। अब 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, क्या बोल रही मैं, जैसे ही 1 अव्यय से गुना कीजिएगा तो प्लस डालिएगा, तो हम 1 अव्यय से गुना किए तो प्लस दिए, और फिर ये भी पंक्ति के साथ चलेगा, इसके साथ चलेगा ये, फिर इसमें गुना कीजिए, 2 -2 से गुना किए तो -4 आ गया। अब देखिए, अब फिर 3 जो है 1 से हो गया, अब इसके बारी है, 3 के पास जाएगा, अब 3 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 9 आ गया। 1 अव्यय से गुना किए तो फिर प्लस दिए,
अब देखिए दू का दू इसका इसके पास पहुंच गया, अब इसका आगे जाएगा तो क्या मिलेगा, पांच, दू में पांच से गुना कीजिएगा तो दस आ गया। इस तरीके से आप एक सेट बना लीजिएगा, आगे जाकर आप क्या कीजिएगा एक सेट बना लीजिए इस तरीके से। जब इस तरीके से आप कर लीजिएगा तो एक सेट बना लीजिएगा, सेट बनाइए। अब देखिए दू प्लस माइनस आठ है तो पहले ब्रैकेट से आठ को बाहर निकालेंगे तो दू और प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस आठ हो जाएगा, और दू माइनस आठ कितना होगा माइनस छः होगा, और छः प्लस बीस कितना होगा छब्बीस हो गया। एक पंक्ति बन गया, दूसरे का पंक्ति में आइए, फिर तीन प्लस माइनस चार है इसको बाहर कीजिएगा तो तीन माइनस चार आ गया तो कितना आ जाएगा माइनस एक आ गया, और नौ प्लस दस कितना हो गया उन्नीस हो गया। दूसरा पंक्ति भी बन गया तो ये हुआ ए इंटू बी का मान, किसका मान है ए इंटू बी का आंसर। आंसर क्या है ए इंटू बी का, माइनस छ उन्नीस और माइनस एक और नहीं माइनस छ छब्बीस है माइनस एक उन्नीस आया, किसका मान आया निकल कर तो ए इंटू बी का मान ज्ञात किए हमने, माइनस छ छब्बीस माइनस एक और उन्नीस। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ए इंटू बी का मान ज्ञात करना आ गया होगा। यदि आपको आ गया होगा तो मैं आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ, बी इंटू ए का मान। यहाँ पर मैंने पहले ए का मान लिखे थे, ए का सेट लिखे थे, पहले बी है तो पहले बी का सेट लिखिएगा और उसके बाद ए का सेट लिखिएगा। मैंने यहाँ पर ए का पंक्ति लिए थे, आप यहाँ पर बी का पंक्ति लीजिएगा और पूरा ए के सेट में गुणा कीजिएगा तो इस तरीके से आपको भी बी इंटू ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यदि मेरे वीडियो आप सभी को अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।